हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप जानना चाहते हो कि सिक्यूलेले को कैसे ट्यून किया जाता है, देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। स्टे ट्यून। सो बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप नए हो इस चैनल पे, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। आई अपलोड म्यूजिक वीडियोस, सिक्यूलेले ट्यूटोरियल एंड बहुत सारा मजेदार कंटेंट आने वाले इस चैनल पे। सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोस लाइक। लेट्स स्टार्ट देन। सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना क्यों जरूरी है। जनरली ट्यूनिंग का जो पार्ट है वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में ही आता है, जैसे कि गिटार, वायलिन, वीणा, सरोद, यूकुलेले। सो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट ही क्यों, व्हाई कांट बी ट्यून पियानो और हारमोनियम? क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड नोट है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे कि अगर आप हारमोनियम पे या पियानो पे सी या सा बजाया तो वो सा ही सुनाई देगा, कोई दूसरा सुर नहीं सुनाई देगा, राइट? इफ़ यू कंसिडर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बीट गिटार, वायलिन, दिस यूकुलेले, कुछ दिन प्ले करने के बाद ये स्टैंडर्ड ट्यूनिंग से थोड़ा सा अलग साउंड कर सकते हैं। सो कंसिडरिंग दिस इंस्ट्रूमेंट यूकुलेले, इट हैज़ गॉट 4 स्ट्रिंग, 4 स्ट्रिंग है टोटल। सबसे ऊपर वाला जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग, दिस इज कॉल्ड 4th स्ट्रिंग। एंड दिस वन, सबसे नीचे वाला जो स्ट्रिंग है जो अपर फ्लोर से क्लोज है, वह है फर्स्ट यूकुलेले का 4 स्ट्रिंग है। सबसे ऊपर वाला जो स्ट्रिंग है इसको कहते हैं जी स्ट्रिंग। एंड उसके नीचे जो स्ट्रिंग है, द 3rd स्ट्रिंग, विच इज कॉल्ड सी स्ट्रिंग। एंड द 2nd स्ट्रिंग इज कॉल्ड ई स्ट्रिंग। एंड उसके नीचे, सबसे नीचे वाला जो है वो है ए स्ट्रिंग, विच इज कॉल्ड द 4th स्ट्रिंग। ओके, सो जी सी ई ए, विच इज द स्टैंडर्ड ट्यूनिंग ऑफ दिस यूकुलेले। ये जो यूकुलेले है वो अपना स्टैंडर्ड ट्यूनिंग के हिसाब से ही ट्यूनिंग होना चाहिए। अगर ये स्टैंडर्ड ट्यूनिंग से कुछ हट गया तो कुछ अलग ही साउंड कर सकता है, आउट ऑफ ट्यून, बेसुरा साउंड कर सकता है। सो यूकुलेले को ट्यून करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू प्ले द राइट कॉर्ड्स। आप अगर स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे जी सी ई एम आई ट्यून नहीं करोगे तो आपको गलत साउंड सुनाई दे सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है जब आप ज़्यादा प्ले कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट तो वो कभी कभी कुछ स्ट्रिंग्स लूज हो जाते हैं, कभी कभी वो कुछ अलग ही साउंड करता है। तो आपको हमेशा यूकुलेले को ट्यून करना, यूकुलेले को ट्यून करने के पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा स्ट्रिंग कौन से ट्यूनिंग की पर अटैच्ड है। ओके, सो सेज अगर आप 4th स्ट्रिंग को फॉलो करोगे, ये स्ट्रिंग अगर फॉलो करते रहोगे तो यहाँ पे इस ट्यूनिंग की पर वो अटैच्ड है, 4th स्ट्रिंग, राइट? सो अगर आप इस की को घुमाओगे लाइक लेफ्ट और राइट ऐसे, तो वो ये स्ट्रिंग टाइट या लूज होगा आपका। सिमिलरली अगर आप सी स्ट्रिंग को, ताकि 3rd स्ट्रिंग को अगर आप फॉलो करते रहोगे तो करते करते देखोगे ये पेट्स इस ट्यूनिंग की पर अटैच्ड है। तो अगर आपको सी स्ट्रिंग ट्यूनिंग करना है तो आप इस ट्यूनिंग की को घुमाओगे लेफ्ट या राइट। ओके, सिमिलरली फॉलोड बाय ई स्ट्रिंग एंड ए स्ट्रिंग। ई स्ट्रिंग अपना यहाँ पर जा रहा है इस पेट्स पे, अगर आपको इसको टाइट या लूज करना है तो आपको इस की को घुमाना पड़ेगा। और आपको सिमिलरली अगर 1st स्ट्रिंग को टाइट या लूज करना है या ट्यून करना है तो आपको इसको फॉलो करते हुए इस स्ट्रिंग पे आना है। आई नो दिस इज सो मच टू टेक, बट अगर आपको यूकुलेले को बजाना है ठीक तरीके से तो यूकुलेले को ट्यून करना ही पड़ेगा। प्लीज़ बेयर विद। नाउ लेट्स जंप द मेन पार्ट। यूकुलेले को ट्यून करने का बहुत सारे तरीका होता है। मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका बताने वाली हूँ जो है यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर एंड इट्स फ्री। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे जाना है एंड टाइप करना है पॉकेट यूकुलेले ट्यूनर, देन इसको डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल करना है। नाउ यू कैन सी इस ऐप में आपको क्या दिख रहा है, तो दिख रहा है हेड स्टॉक एंड अलग अलग कीज दिख रहे हैं एंड कीज में नोट्स दिख रहे हैं। यू कैन सी अ मीटर ओवर देयर एंड एक पॉइंटर इज ऑल्सो देयर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है, आपको जो ग्रीन एरिया दिख रहा है वहाँ पे उसको अपना स्ट्रिंग्स को लाना है। अगर पॉइंटर ग्रीन एरिया पे है
तो आपका यूकुलेले सही से ट्यून हो। अगर पॉइंटर ग्रीन एरिया के लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट कर रहे हैं देन आपको स्ट्रिंग्स को टाइट करना पड़ेगा ट्यूनिंग की के हिसाब से। एंड अगर पॉइंटर ग्रीन एरिया के राइट साइड की तरफ है देन आपको स्ट्रिंग्स को लूज करना पड़ेगा ट्यूनिंग की के मदद से। नाउ लेट्स सी। सो सबसे पहले हम फोर्थ स्ट्रिंग को ट्यून करते हैं। दिस इज कॉल्ड द जी स्ट्रिंग एंड आपका ये स्ट्रिंग अगर आप फॉलो करते हैं तो यहाँ तक जाता है। इस ट्यूनिंग की को मुझे घुमाना पड़ेगा। सो यू हैव टू प्ले द स्ट्रिंग, बजाते रहो ये स्ट्रिंग। अगर आप नया देख रहे हो तो स्ट्रिंग पॉइंटर के लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट कर रहा है तो मुझे घुमाना पड़ेगा राइट हैंड साइड, टाइट करना पड़ेगा राइट। मुझे घुमाना पड़ेगा अगर मैं सी स्ट्रिंग को ट्यून करना चाहूँ तो, विच इज अ थर्ड स्ट्रिंग। तो सबसे पहले मुझे ट्यूनर पे सी स्ट्रिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड घुमाना पड़ेगा। प्ले कर रही हूँ मैं तो ये पॉइंटर के लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो मुझे स्ट्रिंग को टाइट करना पड़ेगा ताकि राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा की को घुमाना पड़ेगा। ओके, अभी तक भी लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। अभी ट्यून हो चुका है मेरा सी स्ट्रिंग। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्ट्रिंग व्हिच इज द ई स्ट्रिंग। अगर मैं ई स्ट्रिंग को प्ले करूं सबसे पहले यू हैव टू सिलेक्ट द स्ट्रिंग एंड इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड तो मुझे स्ट्रिंग को लूज करना पड़ेगा। ज्यादा ही टाइट हो चुका है तो स्ट्रिंग को अटैचिंग की है ये वाला तो मुझे इसको लूज करना पड़ेगा। ओके, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ घुमाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज जब तक ये पॉइंटर की तरफ पॉइंट ना करे। Which is the first string, A string. A string ट्यून करते हैं अभी। सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा आपसे A string, and you have to tune. It's pointing towards left hand side. Left की तरफ pointer point कर रहे हैं तो इसको हमें टाइट करना पड़ेगा। ओके, सो क्लॉकवाइज घुमा रही हूँ मैं। चेक वंस सब स्ट्रिंग ट्यून हो गया है प्रॉपरली या नहीं। जी स्ट्रिंग ट्यून्ड, सी स्ट्रिंग ट्यून्ड, ई स्ट्रिंग ट्यून्ड एंड फाइनली ई स्ट्रिंग व्हिच इज आल्सो ट्यून्ड। दैट्स इट फॉर टुडेस ट्यूटोरियल गाइस। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड अगर आपको इस ट्यूटोरियल से थोड़ा कुछ भी जानने को मिला है अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट यूकुलेले देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। सी यू गाइस विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।